अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल है। मेरा नाम है तहान सारी और मेरे साथ हैं वासिफ वाजिद और हम हैं इस वक्त पाक व्हील्स के शो के अंदर। और आज ये दो गाड़ियाँ मैं बहुत मेहनत से कमा के लेके आया हूँ सिर्फ पाक व्हील्स में रिवील करने के लिए। रिवील आप वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको इसकी वीडियोज़ एंड में दिखाएंगे। चलते हैं आगे गाड़ियों की तरफ। यहाँ पर कुछ क्लासिक गाड़ियाँ हमारे पास खड़ी हुई हैं, मर्सिडीज़ हैं, वेराइटी ऑफ कार्स। माशाल्लाह इस्लामाबाद नेवर डिसअपॉइंट्स, यू नो, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इस्लामाबाद ने भरपूर किस्म की इनपुट करी है। और इस तरीके की गाड़ियाँ हैं, वो देखें बॉस आप, वो देखें पीछे, वहाँ चेक करें ये वासिफ भाई। यार आप मुझे ये वो ब्लैक मांबा है जहाँ लोग पिघल जाते हैं। और इसके साथ एक और शाहकार खड़ा हुआ है, इसके ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है आपकी, क्या मॉडल है, क्या किस तरीके से आपको ये शौक चढ़ा है? टायर असली है या प्लास्टिक के हैं? जी असली है, बकायदा ये चल के आए हैं जेलम से। माशाल्लाह यार ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, और इस पे क्या खर्चा आ गया बनाने में? ये तकरीबन 25-26 लाख रुपए। 25-26 लाख रुपए में भाई, एक फुल मौला जेट स्टाइल में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छी गाड़ी यार आपकी। और पाक व्हील्स की आपको सर्विसेज और ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा? बहुत बहुत जबरदस्त, मजा आता है ना, लोग आते हैं, शौकीन लोग आते हैं। माशाल्लाह मेरा, लेकिन मुझे तो बहुत बस सर आपकी इनपुट चाहिए हमें, अगली दफा दो अल्लाह ताला आपको गाड़ियां दें और आप लेके आए। मेरा प्लान है थोड़ा वो कैंप कैंप लेके यहां पे इंशाल्लाह। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, गैराज है मौजी जीप क्लब के नाम से। बिल्कुल सर, मजा आ गया। आइए सर आगे चलते हैं। यार एक कराची वाला एक और बॉय है और ताहा भाई के बड़े क्लोज दोस्त हैं, हम उनकी गाड़ी पहले देख लेते हैं। ये स्वैग होता है कि 0 मीटर गाड़ी खरीद के ना उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे लगाना, अमीर लोगों की निशानी है। तो आप हट जाएं यहाँ से, मैं बताता हूँ। यार नेक्स्ट लेवल ये रिम्स हैं, आप गाड़ी का स्टांस चेक करें यार। यहाँ पे क्योंकि ये एक अपहिल एरिया है, यहाँ पे माशाल्लाह इस तरीके से जीप्स बनी हुई हैं। इस तरफ पीछे आएँ वासिफ भाई, ये चेक कराएं, ये तो आपकी फेवरेट गाड़ी है ना। इसका हाइट का कंपेरिजन हम दोनों साथ खड़े होंगे तभी पता चलेगा। इसकी हाइट चेक करें, इस पर ये चीज़ चेक करें, इसको जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा है ये। व्हील चेक करें यार, कमाल हो गया है, चस आ गई है। ये एक रियल इंथूजियस्ट की निशानी है कि ये वाकई में कोई एक नॉर्मल गाड़ी जैसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये भाई ने कहां कहां से चीज़ें इकट्ठा करके लगाई हैं और ये खुद ही बता सकते हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी के पास है नहीं यहाँ पे, वरना इनसे भी बात करते आ जाएं। मुझे ये सबसे खूबसूरत पता है क्या लग रहा है, ये छोटी चीज़ है। इनके ओनर्स किधर हैं? इनके ऑनर्स तो नहीं फिलहाल नज़र आ रहे, वैसे हम गाड़ियाँ दिखा सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी एक बहुत अपकमिंग बहुत अच्छी कैटेगरी है कि जो इनिशियल बेसिस पे अगर कोई कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार की तरफ आना चाहता है तो ये कलर्स और वैरायटी आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह ये भी है कोई सिस्टम, मेरे ख्याल से ये हुकूमत से तंग आवाम ने सिस्टम तैयार किया है। ये साइकिल के ऊपर इंजन लगाया हुआ इन्होंने भाई, ये चलती है, दिली छिली मारती है। वेरी नाइस यार, क्या बात है। आ जाएं, थोड़ा अपने बारे में बताएं और अपनी चीज़ के बारे में बताएं, किस तरीके से तैयार की है? जी सर ये वीडियो देखी थी एक बार, किसी ठीक हो गया, किसी की वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने खुद मॉडिफाइड किया है। और इसमें कौन सा इंजन है ये? इसमें 80 cc इंजन है और 1 लीटर में 80 किलोमीटर करती है। वेरी नाइस, 80 का फेरा बड़ा टाइट है आपका। जी सर। और आप कहाँ से हैं? जी मैं इस्लामाबाद से, बनीगाला की बैक साइड में रहता हूं, मेरा टाउन है। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा शाकार है, मजा आया। आपको पाक व्हील्स का ये एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। साल में दो होने चाहिए भाई। थैंक यू सर, आ जाए यार। वो भी ये 660 कैटेगरी की जो खूबसूरत रंग बिरंगी चीजें ना, असल जान यही है। जो चला रहे होते हैं और जो एंजॉय कर रहे होते हैं ना, उनको पता है कि इन गाड़ियों की क्या वैल्यू है। पाक व्हील्स की कैसी सर्विसेज लग रही होती हैं आपको? यार पाक व्हील तो तकरीबन 2007 से मेंबर हुए माशाल्लाह, लेकिन ये साल में 2 शो होने चाहिए। साल में मिनिमम मिनिमम बॉस, ये 2 बंदों की 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है और मैं सबसे भी आपको सर जी, मैंने जाके अभी थोड़ा सा और रिव्यू करना है चीजों का। क्या करें, अब हम चलते हैं पूरे शो का जायजा लेने के लिए कि शो कैसा है पाक व्हील्स का। अहमद शाह साहब के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। ये मेरा मुलाकात हुई है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक ओपन जीप के अंदर और मैं आपको ये आगे दिखाता हूँ सारी चीजें। और ताहा भाई के साथ ऐसा लगा जैसे बचपन में मेले में मिलने भाई नहीं होते, अभी मेले में मिल गए, वो भी पाक व्हील के। बस ये एक पाक व्हील एक ऐसा फोरम है जो बिछड़ों को मिला देता है। हमने एक दूसरे से फोन पे काफी बातें की है लेकिन मिले पहली दफा है। और लोगों के पास टैलेंट है, स्किल्स है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत है। पाक व्हील अपनी तरफ से काविश कर रहे हैं पिछले कोई 15 साल से,
कि यंगस्टर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहा है और उनको उनका शौक जो है थ्रू कैमरा पूरे दुनिया में दिखा रहा है कि पाकिस्तान में स्किल्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। अगर इन जवानों को प्लेटफॉर्म मिले तो ये दुनिया में किसी भी कौम से कम नहीं है जी। मैं पाकवीर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन पाकवीर में जितने ये यंगस्टर हैं जो कि बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते, मैं उनका स्पेशल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी एफर्ट के बगैर इस लेवल का इवेंट मुमकिन नहीं है। तो थम्स अप उन सब बॉयज़ के लिए जी, स्पेशल मेरी तरफ से जी। ये बिहाइंड द सीन्स आपको बाद में दिखाएंगी पाकवीर्स की वीडियो टीम, और ये हम एक शो का ओवरव्यू दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत सी एक इफेक्ट चेक करें आप, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, थम्स अप थम्स अप थम्स अप माशाल्लाह। ये पूरा करोला गैंग है, और ये चेक करें आप, ये ओल्ड स्कूल सिस्टम है सारा का सारा। और मैं अपने पीछे से आपको दिखाता हूँ ये सारी चीजें, ये इतने एंथुजियास्ट हैं सारे के सारे, मैं आपको बता नहीं सकता इनके बारे में। रात में आके गाड़ियां खड़ी करी हैं और पूरी सुबह ये माशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने आप और अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। एक खूबसूरत एवोल्यूशन खड़ी हुई हमारे पास, एक RX-8 है हमारे पास, नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत है मॉडिफाइड और बाकी सारी कैटेगरीज के हिसाब से। और ये चेक करें आप, JDM लेजेंड्स में से एक है, ये बहुत खूबसूरत सी क्राउन। डेड ड्रॉप तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डेड ड्रॉप सिस्टम है। ये देखें भाई, बहुत आला है, जवान जबरदस्त, बहुत प्यारी जीत है लड़के ने की है। ये हम लोग एक दूसरे को हाथ बजा के पीपी नहीं करते। ये देखिए अच्छी रेप हुई है ओडी यार, जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक आवाम बड़ी खुश है, एक अच्छा फैमिली इवेंट है। हाँ बच्चे हैं, एक और हमारे पास मॉडल जीप आ गई है, यंगस्टर्स हैं, बहुत खूबसूरत गाड़ी यार माशाल्लाह, मजा आ गया जी, जबरदस्त। ओए होए होए, एक दूसरे के साथ टायरों ने ले ली पप्पी। ये हम आ चुके हैं बिल्कुल एक मॉडिफाइड कैटेगरी के लिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? विद रोल केज, ईजी हैच, सीडान्स, ओ माय गॉड, दीज आर अमेजिंग सिस्टम। थम्स अप गाइस, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। और तो ये रिश्ते बनाता है, और खूबसूरत सी चीज है हमारे पास ये थ्री व्हीलर। ये मजा आ रहा है भाई, कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, आवाज नहीं आई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, ये है ये गाड़ी जो है अभी अभी आए, ये 44 विनर है 2023 की। वेरी नाइस, अ ट्रू चैंपियंस गैराज। ये सारे आसिफ फजल चौधरी भाई के शील्ड है जिन्होंने तल में 44। आसिफ फजल चौधरी एक ऐसा नाम है ना, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वैसे। ये हमने सारा कुछ दिखा दिया सारी चीजें, लेकिन फिर भी हमारी गुजारिश है कि आप इनको बोलें कि ये साल में 2 शो कराएं कम से कम। जरूरी है, जरूरी है ना। देखिए ये ज्यादती है कि पिंडी और इस्लामाबाद का एक शो, साल में अगर 2 होंगे तो फिर ये राष्ट्र डिवाइड होगी। लेकिन माशाल्लाह ये भी एक रौनक है, एक शहर की रौनक है, सारे इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं, इस्लामाबाद के गिर्दो नवाज से लोग आए हुए हैं। यार मेरी फेवरेट बचपन की एक ख्वाहिश है, इधर आए कैमरे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये री मेरा अपब्रिंगिंग शिरार्ड GT-XX से हुआ था, और ये खूबसूरत गाड़ी है यार। ये वो वाला मॉडल है जिसे मुझे पता चला था कि ताह अंसारी नाम का एक रेसर और एक कार इंथुजियस्ट जिंदा है, और वो गाड़ियाँ बनानी स्टार्ट की हुई है। तो वासिफ भाई बहुत मजा आया, हमने पूरे शो का ओवरऑल व्यू लिया। यार मैंने तो इस बार शो पे बहुत इंजॉय किया, और मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा सीन था कि पाकवील्स टिकट के ऊपर इवेंट कर रहा है कि हमारी जो एंट्री है वो टिकट के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर भी इतना रश है, और मेरे हिसाब से फिल्टर बहुत अच्छा लगा है, और आगे भी शोज इस तरीके से होने चाहिए कि गाड़ियाँ जो है वो रात को आ जाए ताकि सुबह सुकून से शो इंजॉय किया जा सके। वैसे मैसेज मेरा ये भी देना था कि यार ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए ना, तो आपको एक कार शो के लिए रात में एक दिन पहले गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है। टू मेक द डिस्प्ले ब्यूटीफुल, हम कार शो केस करने आए हैं,
यहाँ पे बर्न आउट ड्रिफ्टिंग ये वो कुछ नहीं करने आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज को एक जगह शोकेस करने में पूरी रात लग जाती है, और अगले दिन आप आए टिकट्स आपके पास होंगे और आप आगे लेके जाएं। तो हमारे साथ एक फैमिली है यहाँ पे जो पार्कफील्ड डॉटो शो में आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। कैसा लगा आपको ये शो, और ये टिकट की वजह से कितनी आपको आसानी हुई है या मुश्किलात हुई है ये भी बताइए। टिल नाउ इट सीम्स वी आर कंफर्टेबल विद फैमिली एंड द सराउंडिंग एंड कार कस्टमाइजेशन वेरी गुड एंड इन पाकिस्तान सच थिंग्स शुड बी इन मोर शुड बी एप्रिशिएटेड। या शुड बी एप्रिशिएटेड एंड विद फैमिलीज एज वेल। बिल्कुल। आप बेटा बताएं आपको ये शो कैसा लगा, मजा आया? अच्छा। अच्छा है आपको? अच्छा लगा जी। कौन कौन सी गाड़ियाँ अच्छी लगी आपको? कौन सी गाड़ी अच्छी लगी? फरारी। फरारी कहाँ है? वो अंदर अंदर जो खड़ी हुई है। आप बताइए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी अभी तक का तो बहुत अच्छा है, आने में भी एंट्रेंस में भी कोई इशू नहीं हुआ। फैमिली के लिए सेपरेट एंट्रेंस है जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कार एंथुजियस्ट फैमिली मौजूद है, और आप हमें बताएं इसके बारे में कि ये आपको ओवरऑल शो कैसा लगा? शो बहुत अच्छा है, इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यहाँ पे कार्स की जो कलेक्शन है वो कोई ऐसे नहीं है कि मतलब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। विंटेज कार्स हैं और बिल्कुल न्यू कार्स हैं, लोगों ने जो कार्स को पर्सनलाइज किया हुआ है वो बहुत आला है, और इट्स वेरी एनर्जी फील बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि यंगस्टर्स आर इंजॉइंग ऑल द एफर्ट दैट इज पुटिंग बाय द ऑर्गेनाइजर्स parkwheels.com एंड इट्स अ ब्यूटीफुल शो। थैंक यू। और आप ये क्या चाहती हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज कितनी दफा होनी चाहिए साल में? हाँ जी, व्हाई नॉट, बिकॉज यू आर एक्चुअली गिविंग द प्लेटफॉर्म टू यंगस्टर्स टू वॉच ऑल दीज कार्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपने एक्सेसरीज लगाई हैं। बिल्कुल। आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट कौन सी गाड़ी है आपकी बच्चे की? रिवर रॉको। चले, ये मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। आप जीप जीप लवर हैं आप? जीप लवर नो, आई डू ऑफ रोड व्हीकल है। ऑफ रोड व्हीकल, स्ट्रांग, इट्स अ बीस्ट। वेरी नाइस, मजा आया आपको शो में? या इट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, और माशाल्लाह इनको हमने रास्ते में रोका है और इनसे पूछा है कि आप हमें अपना फीडबैक बताएं पार्क व्हील्स के बारे में, इस शो के हवाले से कि ये टिकट और बाकी चीज़ें फैमिली ओरिएंटेशन कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छा शो है, ठीक है, डिफरेंट कार्स हैं, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। बाकी ये है कि स्पेशली फैमिलीज़ के लिए बड़ा अच्छा देना चाहूंगी मैं फीडबैक। आपने एंजॉय किया ये शो? बहुत ज्यादा। आपको कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल भी। कोई एंट्री एग्जिट में सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल भी नहीं, हर चीज बहुत अच्छा है। ये साल में दो होने चाहिए या एक ही होना चाहिए? बहुत सारे होने चाहिए। बहुत सारे होने चाहिए। इनको इनसे भी पूछे आपको मजा आया, कौन सी कार आपको अच्छी लगी? मुझे मेरे चाचू की अच्छी लगती है। कौन सी चाचू गाड़ी लेके आए? मैं ब्लू कलर की, लेकिन अभी वो है ही नहीं। होंडा सिविक है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? सुप्रा पसंद है। 5 बजे रुक जाए, आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ बहुत जानी मानी पर्सनालिटी है, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मारिया, कैसे कहा? मैं ठीक। मुझे ये बताओ कि इस दफा ये टिकट्स की वजह से शो में क्या चेंजेस देखने को मिल रही है और कैसा एनवायरनमेंट है? पहले तो हमारा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया जो मेन रोड पे लगा हुआ था पिछले साल, और दूसरा फैमिलीज, मुझे बहुत ज्यादा बच्चे और आंटीज और सब कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी फैमिली को लाते हैं तो हमें पता होता है कितना मसला होता था पिछली बार। लेकिन इस बार बॉयज सारे उस तरफ है, फैमिलीज इंजॉय कर रही है, फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं और बहुत शुगल मेला ऑन है। इट्स अ प्रॉपर फैमिली फेस्टिवल टुडे, और ताहा की गाड़ियाँ देखने के लिए पूरा इस्लामाबाद आया हुआ है और बाकी सारे लोग भी आए हुए हैं। मैं खुद भी देखने आया हुआ हूँ अपनी गाड़ियाँ। हाँ। अभी तक देखी नहीं है। ताहा ने भी नहीं देखी थी। मैं डायरेक्ट यहीं आई हूं, यहीं रिवील होगी। मैंने ताहा को कल का मैं आऊं देखने, उसने कहा नहीं सुबह वहीं देखनी है, तो जो जो रह गए हैं वो सब यहीं आके देख लें, ये बेच देता है, एक हफ्ते बाद नहीं आ जाती है। तो काम ही यही है ना, पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, तो ये सीन है। आप लोग भी आए अगर नहीं आए अभी तक तो। थैंक यू सो मच, मजा आया बात करके आपसे। माइक वापस करो, चलो अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।